बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था और वह यही चाह रहा था कि कोई उसके गद्दी को संभाले। एक दिन राजा ने अपने 3 बेटों को बुलाकर बोला, आज मैं तुम लोगों को एक काम के लिए बुलाया हूँ। सब लोगों को अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना होगा। राजा के 3 बेटे संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा मेरा। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब लोग चुप हो गए। राजा के अपने 3 बेटों को इम्तिहान लेना चाहता था और उसने अपने पहले बेटे से पूछा, अगर आपको किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो आप क्या दोगे? पहले ने बोला, मैं तो जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे ने बोला, मैं तो फांसी दे दूंगा। फिर क्या था, राजा ने अपने 3 बेटे से भी यही पूछा। तीसरा बेटा बहुत ही चालाक था और बोला, पिताजी मैं आपको कुछ बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तो आप शुरू हो जाओ। तीसरे लड़के ने बोला, एक बहुत ही अमीर राजा था, उसने एक तोता पाल रखा था और वह तोता से बहुत प्यार करता था, एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाता था। एक दिन की बात है, तोता बहुत ही जिद करने लगा और बोला, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोतो के इस बात को बार बार सुनकर राजा ने उसको जाने के लिए बोला और साथ में यह भी बोला, सिर्फ 1 सप्ताह में वह लौट कर वापस आ जाए। तभी तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला, राजा आप बहुत ही अच्छे हो, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तोता अपनी माँ के पास पहुँच गया और बोला, माँ राजा जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूँगा। जब तोते को वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों ना राजा जी के लिए कुछ तोहफा लेकर जाऊँ। वह जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसको खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं राजा जी के लिए यही लेकर जाऊँ। तोता जब वह फल लेकर लौट रहा था, तब रास्ते में काफ़ी रात हो गई और वह फल को नीचे रख कर सो गया। जब वह सो गया तो एक सांप ने उस आम को खा लिया और वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो आम को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूँ जिसको खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को खिला दो और देखो। कुत्ता जैसे ही उस फल को खाया, वह मर गया। यह देख राजा को गुस्सा आ गया और उसने तोते की बात सुने बिना ही उसका सर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। समय बीतता गया। एक दिन उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे बोला, वह पेड़ जहरीला है और कोई भी उसका फल नहीं खाएगा। राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास भी नहीं जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, वह उस पेड़ के फल को खा लिया और देखते ही देखते वह जवान हो गया। उसने यह बात राजा को बताया और इस बार राजा ने फिर वही किया और इस बार राजा के दरबार का मंत्री जवान और अमर हो गया। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके रोने लगा और उसको बहुत ही अफसोस होने लगा। यह कहानी सुनकर राजा ने कहा, फिर तुम क्या करोगे? फिर छोटे बेटे ने बोला, पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा, उसके बाद सजा के बारे में सोचूंगा। अपने बेटे के इस बात को सुनकर राजा ने उसको ही अपने राज का राजा बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।